चुनाव आयोग ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जीवन पर बनी फिल्म पीएम नरेंद्र मोदी को चुनाव के दौरान रिलीज करने पर रोक लगा दी है। आयोग ने मामले की सुनवाई करते हुए अपने आदेश में साफ कहा है कि इस फिल्म में आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का सम्मान अफसरों पर प्रभावित करने की क्षमता है, लिहाजा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या सिनेमा हॉल में नहीं दिखाया जा सकता है। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री बायोपिक पर रोक लगाई गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि उसके पास एनटीआर लक्ष्मी, पीएम नरेंद्र मोदी और उद्यम सिंह सहित कुछ फिल्मों को लेकर शिकायतें आई थी। आयोग ने अगले आदेश तक इन दोनों फिल्मों को रिलीज नहीं करने का कहा गया है। एक उम्मीदवार या राजनीतिक पार्टी को चुनावी सभाओं के रचनात्मक स्वतंत्रता के नाम पर कम पढ़ा चढ़ा कर दिखाया गया है, इसी पर आयोग ने अपनी कार्रवाई की है। चुनाव आयोग ने एक अधिकारी ने आदेश का हवाला देते हुए साफ किया कि मौजूदा वक्त में किसी भी प्रकार की प्रमाणित सामग्री या संबंधित कोई भी पोस्टर या प्रचार सामग्री जो प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी भी उम्मीदवार को चुनावी सभाओं को बढ़ाती है, वह आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानी जाती है। इससे पहले फिल्म सेंटर बोर्ड ने फिल्म सर्टिफिकेट CBFC की ओर से यू सर्टिफिकेट दिया जा चुका है और इसी के साथ ऐसा लग रहा है कि इस फिल्म में रिलीज का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, आचार संहिता को ध्यान तो आया कि इस फिल्म को बंद करना था। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।